सीरियल अनुपमा इस वक्त टीवी का सबसे पसंदीदा शो बना हुआ है। खासकर इसमें सीधी सादी अनुपमा का रोल निभाने वाली रूपाली गांगुली को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोग ये जानने में काफी उत्साहित रहते हैं कि आखिर अनुपमा रियल लाइफ में कैसी हैं। पहले तो आपको यह बता दें कि सीरियल में सीधी सादी दिखने वाली अनुपमा रियल लाइफ में काफी बोल्ड हैं। कोलकाता में जन्मी रूपाली के पिता अनिल गांगुली फेमस फिल्म निर्देशक थे। 7 साल की उम्र में रूपाली ने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया। 1985 में फिल्म साहिब में रूपाली ने बतौर बाल कलाकार एक्टिंग की। वैसे रूपाली ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की है। साथ में बता दें कि रूपाली ने काफी समय थिएटर भी किया। साल 2000 में सीरियल सुकन्या से रूपाली ने टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद भी उन्होंने कई शोज किए। उन्होंने सीरियल सारा भाई वर्सेस सारा भाई में मोनिका सारा भाई की भूमिका निभाई, जिससे वह घर घर में फेमस हो गई। वह कई रियलिटी शोज में दिख चुकी हैं। साल 2013 में रूपाली गांगुली ने अश्विन के वर्मा के साथ शादी की। शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग छोड़ घर की जिम्मेदारी संभाली। दोनों का एक बेटा भी है। अब 7 साल बाद सीरियल अनुपमा से उन्होंने कमबैक किया है। सीरियल अनुपमा को लोगों का काफी प्यार मिल रहा है, लेकिन खुद रूपाली का बेटा उनका शो नहीं देखता। इस बारे में एक्ट्रेस ने बताया था और कहा था, जब मेरा बेटा 7 साल का था तो मैं शोज में वापसी कर चुकी थी। ऐसे में वह सोचता है कि मम्मा को वो चीज उससे दूर कर रही है। उसके स्कूल फ्रेंड्स, क्लास फ्रेंड्स और उनकी मम्मा सब अनुपमा शो देखती हैं, लेकिन उनका बेटा रुद्रांश शो नहीं देखता। वह कहता है कि वहाँ दूसरी फैमिली है मम्मा की। वह अभी तक नहीं जानता कि उसकी मम्मा एक एक्ट्रेस है, पर मुझे पता है जब वह बड़ा होगा वह शो जरूर देखेगा। एक्ट्रेस ने कहा था कि शो हिट होने के बाद वह इस पर डबल मेहनत कर रही हैं। ऐसे में उनके पास अपने बेटे और पति के लिए भी वक्त नहीं है। फिर भी रूपाली गांगुली की फैमिली काफी सपोर्टिव है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।